सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्ज में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आप यहां पे अगर इंडिया पोस्ट बैंक में अगर आपका अकाउंट है, अगर आप उसमें खाता खुलवाए हैं, तो दोस्तों अगर आपका भी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट है, बट दोस्तों यहाँ पे हम जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में सर्विस में यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड का ऑप्शन होता है, तो उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमको यहाँ पे एटीएम और डेबिट कार्ड ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम भी करके आएगा, कैश भी यहाँ पे इस तरीके से पीड जनरेट योर मतलब डेबिट कार्ड अकाउंट बैलेंस। दोस्तों कह रहा है कि आपके मतलब आपका जो अकाउंट नंबर है, मतलब आपका जो खाता है, उसमें जीरो बैलेंस है, इसलिए आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैक आना है। वैक आने के बाद में अब आपको अपने इस बैंक में आपको बैलेंस रखना है। तो चलिए दोस्तों हमसे क्या करेंगे, इस अकाउंट में हम बैलेंस डालते हैं, देखते हैं कि हमारा जो कार्ड है हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। सो फाइनली दोस्तों इस अकाउंट में हम पैसा डाल दिए हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पैसा शो नहीं हो रहा, हम पैसा डाल दिए हैं। यहां से क्या करेंगे, एक बार इसको हम रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसको बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम फिर से इस एप्लीकेशन को हम ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको रिफ्रेश करना है। तो चलिए दोस्तों हमसे क्या करेंगे, इस यहां पे एप्लीकेशन को हमें बैलेंस वाले ऑप्शन में रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में मेरे अकाउंट में 20 रुपए आ चुके हैं, 20 रुपए डाले हैं। उसके बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको इधर नीचे आना है। नीचे आने के बाद में अब आपको यहां पे माई सर्विस में अब आपको यहां पे रुपए डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको रुपए डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपको जो एटीएम और डेबिट कार्ड है यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। सो दोस्तों अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो, मतलब दोस्तों अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो आपको जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है इंडिया पोस्ट बैंक का, आपको नहीं मिलेगा। सो दोस्तों अगर आपके अकाउंट में पैसा है तभी आपको मिलेगा, आप यहाँ पे सब कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। जीरो बैलेंस रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। सो दोस्तों अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपने प्रॉब्लम को इस तरीके से बैलेंस आप डाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।